Let's. So we'll be doing a random variable. We have already done completed continuous and discrete. Just a quick revision and some additional things and a few questions. Okay. So let's start. uh chicken all right so uh फर्स्ट थिंग हमने रैंडम वेरिएबल का क्या डेफिनेशन पढ़ा था दैट इट कैन टेक एनी वैल्यू विद अ गिवन प्रोबेबिलिटी दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज रैंडम क्योंकि उसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं है आप उसमें कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हो विद अ गिवन प्रोबेबिलिटी राइट सो हमने डिस्क्रीट भी करा था कंटेनस कंटेनस में भी सौ की एक रेंज ऑफ नंबर्स ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जीरो टू वन माइनस वन से वन वट एवर 0 to infinity, minus infinity to infinity, a range of values. And discrete case, we have seen specific values 0, 1, 2, three, dot, 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 infinity, tak. Ja, fir, 1, 2, 3, dot, dot, infinity, tak. Ja, fir, ik, we have given number. Tak. So we have done all these. We have also done what do you understand by this? This is known as a PDF. Na? This is known as a CDF.

बोलो आई दू इंटीग्रेट पीडीएफ फ्रॉम लेट्स एनी नंबर लाइक माइनस इंफिनिटी टू एक्स जो भी आपका लोएस्ट पॉसिबल नंबर है एंड इफ इट्स अ डिस्क्रीट केस देन हम लोग क्या करते हैं समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू एक्स वेर योर एक्स गोज फ्रॉम अगेन माइनस इंफिनिटी टू एक्स राइट दिस इज व्हाट यू हैव डन अच्छा शेयर माय माय स्क्रीन, स्क्रीन आई थिंक इज नॉट शेयर राइट तो ये हमने किया था ठीक है नाउ नेक्स्ट थिंग्स ये बेसिक एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि क्या हमने क्या क्या पढ़ाता है एंड इफ यू गाइज रिमेम्बर दैट अनदर थिंग अगर हम लोग को पीडीएफ निकालना है सी में से तो कैसे करते हैं उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है अंडरस्टंड हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स दोनों के केसेस में बताओ सो इन केस ऑफ डिस्क्रीट क्या करते थे समेशन सो एनीथिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ एनीथिंग इज समेशन ऑफ दैट थिंग इन टू इट्स प्रोबेबिलिटी डिसकिन केस हम लोग क्या करेंगे ठीक uh, X, X, yes? okay. है सो दिस इज योर एक्सपेक्टेशन अब वही एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्ता तो हम लोग यहाँ पे एक्स स्क् कर देते एक्स क्यूब होता तो एक्स क्यूब कर देते And these These were known as moments. जैसे ये हो गया हम लोग का एम वन एम टू क्या होगा हम लोग का एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सक्वे ठीक है सो दिस इज इजी देख लो अब अगर मैं बोलू आप लोग को अगर मैं बोलू सिमिलर ग्राउंड स्पे फैसे फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपोनशियल और फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ

अब कुछ भी आप लोग को अगर मिल जाए आप अगर आपको बोले कि एक, आप एक्सपेक्टेशन ऑफ कोई भी एक रैंडम कोई भी कुछ भी मतलब कुछ भी फंक्शन का ले लो जी एक्स लेट सपोज इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स ठीक है जी एक्स इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स तो उसका अगर निकालने बोला जाए तो भी आप लोग क्या कर सकते हो निकाल सकते हो इज इट अंडरस्टूड क्लियर इजी ठीक है। अब एक एग्जाम्पल सपोज इफ आई टेल यू कि चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं लेट्स सपोज इफ आई टेल यू दैट द पीएमएफ पीएमएफ लिखो द एम एफ ऑफ एस द एम एफ ऑफ एस कैपिटल एस इज पीएमएफ इस pmf का मतलब इट्स अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन 0.2 ले सकता है 0.5 या 0.3 तो s का वैल्यूज ये तीन हो सकते हैं खाली ऑलराइट एंड right. uh, नहीं सो so ये प्रोबेबिलिटीज हैं और लेट मी जस्ट राइट इट दिस वे कि f के वैल्यूज आपके हो सकते हैं 20 50 एंड 100

ठीक है तो पे ऑफ ऑफ कॉल ऑप्शन कैसे लिख सकते हैं हम लोग जो हम लोग का पे ऑफ होगा कॉल ऑप्शन का वो क्या होगा मैक्सिमम ऑफ क्या होता है स्ट्राइक प्राइस माइनस मतलब कॉल ऑप्शन इफ यू गाइस रिमेम्बर कैसा होता था उसका पे ऑफ इफ दिस इज के उसका कैसा होता था पे ऑफ ऐसा कुछ मतलब गिवन अगर आप कुछ नेगेटिव कुछ उसका ले रहे हो अगर आप कोई प्रीमियम नहीं ले रहे हो तो समथिंग लाइक दिस है ना दिस इज द

पे ऑफ ऑफ द कॉल ऑप्शन कुछ नहीं है ये तुम लोग करोगे मैं तुम लोग को बेसिक समझाती हूँ तुम लोग को बेसिक कॉल ऑप्शन पता है ना कॉल ऑप्शन का पे ऑफ कब होता है जब शेयर प्राइस इज ग्रेटर कॉल ऑप्शन का पे ऑफ होता है वेन द शेयर प्राइस दिस इज योर एस टी ठीक है ठीक है तो आपका जब आप एट टाइम ऑफ मेचोरिटी आपका पे ऑफ कैसा दिखेगा वॉट विल बी दिवी गेटिंग मनी विच बी गेटिंग अब अगर आपका शेयर हम लोग इन जनरल बोलते हैं दिस इज द पे ऑफ बट अगर आपका एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी अगर आपका शेयर प्राइस के से छोटा है तो आपके उसकेस में कोई पे ऑफ नहीं होगा हम लोग लेते सपोज ऐसा कंसिडर करें ठीक है तो उस केस में आपका ये जीरो रह जाएगा तो जीरो रहने के लिए हम अब फॉर एग्जाम्पल या तो एस टी माइनस के अगर एस टी से छोटा है तो ये वाला पार्ट नेगेटिव आएगा तो एग्जीक्यूट कॉल ऑप्शन इट्स एन ऑप्शन राइट आई विल नॉट एग्जीक्यूट सो ये हो जाएगा मेरा जीरो सो मैक्सिमम ऑफ दीज टू आईदर एस टी माइनस के इफ के इज ग्रेटर देन एस ठीक है इफ लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल सॉरी इफ एस इज ग्रेटर देन के इफ दिस इज नेगेटिव मीनिंग आप इस रीजन में हो तो आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो जीरो तो एक इक्वेशन के फॉर्म में अगर मेरे को लिखना पड़े पे ऑफ ऑफ कॉल ऑप्शन दिस इज आई विल राइट इट मैक्सिमम ऑफ एस टी के बदले में एस लिख देती हूँ एस इज द शेयर प्राइस माइनस के कॉमा जीरो हमारे केस में के दिया हुआ है फोर्टी ठीक है और बोल दिया है कि आपका जो शेयर प्राइस होगा वो आइदर ट्वेंटी फिफ्टी या हंड्रेड होगा ठीक है सो नाउ वट केन आई से आई से अबाउट लेट्स सपोज आप लोगों को बनाना है माय एक्सपेक्टेड पे ऑफ वट इज माई एक्सपेक्टेड पे ऑफ एक्सपेक्टेड पे ऑफ का क्या मतलब वो एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस तो इसका हम लोग अलग अलग जितने पॉसिबल हम लोग क्या करेंगे सिंस दिस इज अ डिस्क्रीट केस तो समेशन ऑफ सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल्स टू एस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एस तो अब हम लोग के कितने वैल्यूज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ सी होगा इनफैक्ट हम लोग के कितने वैल्यूज ऑफ सी एस पॉसिबल है ध्यान से सुनना अगर शेयर प्राइस ट्वेंटी है तो ट्वेंटी माइनस फोर्टी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अगर शेयर प्राइस ट्वेंटी है मतलब आप K के के पहले हो या आपका के है फोर्टी मतलब आप इधर हो तो आपका एग्जीक्यूशन नहीं होगा मतलब वो जीरो हो गया तो हम लोग क्या करेंगे जीरो इन टू पॉइंट टू प्लस अगर आपका शेयर प्राइस फिफ्टी है तो पे ऑफ क्या होगा फिफ्टी माइनस फोर्टी उसका प्रोबेबिलिटी जीरो पॉइंट फाइव एंड प्लस अगर आपका शेयर प्राइस हंड्रेड है सो हंड्रेड माइनस फोर्टी इनटू उसका प्रोबेबिलिटी पॉइंट थ्री इसको कैलकुलेट कर लू ठीक है आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे सो जस्ट बिकॉज की फास्टर कैलकुलेशन करना इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आप वो मैक्स फंक्शन लिख के भी कर सकते हो सेम आंसर आएगा फिर करोगे बाद में बेसिक्स किया होगा ना बेसिक्स का वीडियोस ठीक है कोई बात नहीं स्टैट्स में नहीं है ये ये तुम लोग डेरिवेटिव्स डेरेवेटिव पढ़ोगे करोगे ऑलराइट देख लो एक बार यश एनी डाउट क्लियर क्या आंसर है ट्वेंटी थ्री ठीक है

एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज वॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स नहीं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विल बी अंस्टेंट टर्म एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विल बीसटेंट टर्म राइट आप एक एक्सपेक्टेशन जैसे यहां पर आप एक्सपेक्टेशन निकालो कोई भी चीज का एक्सपेक्टेशन आप निकालोगे विल बी अस्टेंट टर्म तो कॉन्स्टेंट टर्म का एक्सपेक्टेशन मतलब यहां पर मैंने E of A करा एक्सपेक्टेशन ऑफ ए क्या ए आ रहा है तो दिस विल ऑल्सो बी दिस क्लियोर अगर थोड़ा मैं और इट्स नॉट ट्रिकी बट क्विकली अगर मैं दो तीन चीजें समझा दू कि एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ वन बाय एक्स

will be different than saying g of your expectation of gx right or this is different than saying g function of this which is equal to e to the power this thing they close co easy as cheese is that समझाने के लिए थोड़ा ऐसा कुछ याद नहीं रखना इसमें तो ये हो गया रही थीज द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन आप लोग लिख सकते हो ठीक है नेक्स्ट हम लोग ना uh, एक जेंसेंस इन करते हैं मतलब बहुत ही सिंपल है ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है सो बेसिकली यू माइट हैव हर्ड अबाउट कॉन्केव फंक्शन एंड कॉन्वेक्स फंक्शन राइट सो इफ आई से दैट ऐसा कुछ ठीक है कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉनकेव है ये वाला कौन सा है गलत दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज कॉनकेव ठीक है तो इसमें हाउ टू फाइंड दैट एनी फंक्शन विच इज गिवन टू यू इज कॉन्वेक्स और कॉन्केव हम लोग क्या करते हैं बेसिकली लेट्स सपोज दिस थिंग दिस ठीक है लेट्स सपोज इसको मैं बोलती हूँ दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ठीक है एच एच इज अ फी जी एक्स होता है वैसे एच इज अ फंक्शन फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड इसको हम बोल देते हैं अगेन एक्सपेक्टेशन ठीक है अब होता क्या है इन ऑर्डर टू फाइंड वेदर इज अ कॉन्केव और अ कॉन्वेक्स हम लोग क्या यूज करते हैं हम लोग एक इनक्वालिटी यूज करते हैं बिकॉज यूजअली क्या होता है डेरिवेटिव पे ऑफ्स जो होते हैं ना वो यूजली कॉन्वेक्स होते हैं ठीक है टू द प्राइस तो अगर हम लोग को ये निकालना हो कि हम लोग का जो पे ऑफ डाइग्रम है वो कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा तो हम लोग क्या करेंगे वील यूज दिस दिसक्वालिटीज को लिख लो वील से दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन द फंक्शन ऑफ दिस एक्सपेक्टेशन देन इट्स अ कॉन्वेक्स या फिर इफ इट्स अ कॉन्केव तो ये उल्टा हो जाएगा मतलब योर एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स विल बी लेस देन फंक्शन ऑफ द एक्सपेक्टेशन तो ये जो मैंने बनाया ये फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन बनाया अब इसी के बीच से मतलब आपका जो ये एक्सपेक्टेशन वाला लाइन है अब अगेन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फंक्शन विल बी अ कॉन्स्टेंट लाइन विच विल बी गेटिंग राइट सो इट विल बी समथिंग लुकिंग लाइक दिस ऐसा कुछ ठीक है मतलब वो ऐसे टच होगा इसको ठीक है And this line is expectation of HX. And this line is expectation of GX. Example, see, some much example. So, like, suppose you play a game. Suppose you play a game in which you roll a die.

स्क्वायर हो जाएगा या फिर ऐसे लिख सकते हो कैपिटल्स भी फर्क नहीं पड़ता। तो को क्या करना है? दो चीजें निकालनी है एक हम लोग को निकालना है सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ठीक है ना अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है एक्स के कितने वैल्यूज पॉसिबल है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सारे वैल्यूज तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स एंड डिवाइडेड बाय सिक्स कितना आ रहा है थ्री पॉइंट फाइव वेरी गुड थ्री पॉइंट फाइव आ रहा है अब ये जो आपका थ्री पॉइंट फाइव आया अब हम लोग को दो चीजें निकालनी है एक ये निकालना है और एक ये निकालना है ना सो लेट्स लेट्स कैलकुलेट कैलकुलेट फर्स्ट फर्स्ट आपका पहला वाला जो है एक्सपेक्टेशन ऑफ एफ एक्स लिख दे रहे हैं जो भी तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वर्ट वेरी गुड एक्सक्वा तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या आ रहा है निकाल के बताओ वन Four, मतलब जो भी पे ऑफ उसका स्क्वायर ना ये हम लोग कैसे निकालेंगे अगर मैं इसको पहले ऐसे लिख के बताऊं एक्स प्रोबेबिलिटी क्योंकि ये डिस्क्रीट तो वन प्लस फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव एंड थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्स कितना है सिमिलरली, फिर आपको फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा हम्म hmm. ये वाला बोलो क्या रहा है वन सिक्स ये और है। अब अगर मैं बोलू फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालने विच इज वॉट या आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या आया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज वॉट इट्सेंट राइट क्या आ रहा है 3.5 तो आपको खाली फंक्शन ऑफ एक्स मतलब 3.5 का स्क्वायर निकालना है विच इज वॉट ट्वेल्व पॉइंट पॉइंट टू फाइव आ रहे हैं तो कौन सा बड़ा हुआ ये बड़ा हुआ मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एफेक्ट इज ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ दिस सो दिस इज कौन देखो ये एक्सपेक्टेशन जब ग्रेटर होता है सो इट इज कॉन देखो यहां देखो यहां देखो ये यह आपका एक्सपेक्टेशन वाला लाइन है तो जो एक्सपेक्टेशन वाला लाइन है अगर वो ऊपर है ना तो ऑब्वियसली और यहाँ एक्सपेक्टेशन वाला लाइन अगर नीचे है तो वो गौर अगर एक्सपेक्टेशन वाला लाइन ऊपर है वो कॉन्वेक्स होगा मतलब वो अगर बड़ा है एक्सपेक्टेशन ऑफ द फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ इट्स एक्सपेक्टेशन ठीक है एंड अगर आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ द फंक्शन इज लेस फंक्शन ऑफ द एक्सपेक्टेशन देन इट विल बी कौन के क्लियोर देख लो ठीक है अब हाँ जेनरली अब देखो अब देखो नेक्स्ट हम लोगों ने मोमेंट्स करा था जस्ट अ क्विक रिविजन अगेन सो म्यू हमने लिया था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ठीक है फर्स्ट मोमेंट सिग्मा स्क्वायर वाज द व्हाट सेंट्रल मोमेंट दिस इज द सेकंड सेंट्रल मोमेंट जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ये करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का एक्चुअली मैंने गलत कर दिया एक सेकेंड इसका पूरे का स्क्वायर लेना पड़ता है ना सो इफ यू रिमेंबर इट वॉज समथिंग लाइक एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन ठीक है एंड इफ यू गाइस रिमेंबर इसको हमने ब्रेक करके भी निकाला था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस

एक्चुअली इनका क्या है ना बहुत बार आप लोग देखोगे कभी कभी ना ये स्क्यूनेस को एक्सपेक्टेशन स्क्यूनेस uh, भी बोलते हैं मतलब ऑफ स्क्यूनेस को दे जस्ट कॉल इट एज स्क्यूनेस समटाइम्स वो आपको समझ आ जाएगा कि इन्होंने कब क्या लिखा है बट समटाइम्स दे मे रेफर तो इफ यू ऑल रिमेम्बर हम लोग कैसे करते थे डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर सिगमा e या तो आप वेरियंस टू दीपा वन पॉइंट फाइव लिख दो स इज वॉट एस डी का स्क्र इन टू वन पॉइंट फाइविंग यू दिस थ्री ओनली और हम लोग यूज करते हैं किसी को बेनिफिट याद है कि हम लोग क्यों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ऊपर नीचे दोनों क्यूब है सो so, आपका क्या ये unit आएगा ये यूनिट में आंसर आएगा दे विल बी नो इट्स यूनिटलेस बेसिकली एंड सो अगर आपके सपोज एक सेंटीमीटर हमने सेंटीमीटर एंड मीटर का दस, uh, लिया था याद है कुछ हाइट का तो उसका स्क्यूनेस निकाल रहे थे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था बट जब स्क्यूनेस निकाल रहे थे तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो बिकॉज वो सेम स्केल पे आ जाते हैं सेम यूनिट पे आ जाते हैं तो इट बिकम्स कंपेरेबल ठीक है कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस इसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग करेंगे फोर्थ सेंट्रल मोवमेंट एंड हम लोग विच इज द फोर्थ सेंट्रल मोवमेंट ऐसे करते हैं बट अगर हम लोग स्टैंडर्डाइज करटोसिस निकाले so standardized standardized kurtosis becomes divided by sigma to the power 4 ठीक कर so, uh, ये हम लोग यूजली इसमें देखते हैं कि वेदर हम लोग का जो टेल है वो थिन टेल है या फैट टेल है हम लोग का पीक का शेप कैसा है ठीक है सो बेसिकली इट इज सेंसिटिव टू लार्ज डिशंस ठीक है एंड इट कैन बी ऑफ आईदर साइन विच मेक्स इट यूजफुल चा ऑफ ऑब्जर्विंग आईदर साइड सो जब आप क्या बोल रहे हो आपके लॉन्ग टेल्स है लॉन्ग टेल्स का मतलब है हाई वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वेरी लो वैल्यूज ऑफ एक्स बोथ आर वेरी मच पॉसिबल बट टेल्स आर नॉट लॉन्ग इट्स शॉर्टर ठीक है तो उससे नॉट वेरी ह्यूज वैल्यूज ऑफ एक्स आर नॉट and हाई it's not कम now जाता है usually हम लोग जब आगे जाके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस एंड ऑल दैट आई गेस तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है वो तो जब वो पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे की हैवी टेल एंड थिन टेल का क्या रिलेशन है सो अ वेरी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फल रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन इज इट इज जनरली हैवी टेल्ड मतलब ह्यूज रिटर्न और वेरी लो रिटर्न आर पॉसिबल मोर देन द नॉर्मल केस विच इज ठीक है तो एक काम करो इसका हम लोग एक सेकेंड लेट्स टेक एन एग्जाम्पल तो आप लोग को क्लियर होगा ठीक है सो आई वॉज ट्राइंग टू

Let's take somewhat लाइक दिस ठीक है एक होगा लिटिल बिट ठीक है एंड एक थोड़ा और पीक होगा एंड दूर से आएगा एज एन फैट होगा दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स सो सबसे पहले वाले को एक बार लिख लेते डेफिनेशन uh, क्या बोलते हैं सबसे पहले वाले को हम लोग लेप्टोकॉटिक बोलते हैं एलईपी दूसरे वाले को हम लोग मेसोकॉटिक बोलते हैं सिंस इट्स इन बिटवीन एंड तीसरे वाले को हम प्लाटोकॉटिक बोलते हैं कॉर्टिक बेसिकली कर्टोसेस डिस्क्राइब्स आपके टेल्स में कितने वैल्यूज हैं सो इट इज अ मेजर ऑफ द टेल कि आपका फैटनेस ऑफ द टेल कैसा है सो वेन वी टॉक अबाउट द मेसोकॉटिक जो बीच वाला है सो इट्स अमल सिमिलर टू अस इज सिमिलर टू अमल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका जो पीक है वो इतना हाई नहीं है एंड यू हैव वैल्यूज ऑफ मीडियम वैल्यूज ऑफ एक्सेस पॉसिबल

उसका प्रोबेबिलिटी जो बीच के वैल्यूज है खाली वैल्यूज विच इज क्लोजर टू द मीन उनका प्रोबेबिलिटी हाई है बट ऑल्सो देर इज अ चांस ऑफ़ लार्जर डिविएशन अगेन आई एक्सप्लेन वैल्यूज विच आर क्लोज टू द मीन लाइक इन दिस रीजन यू कैन से दैट इन दिस रीजन द चानसेस ऑफ योर प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई राइट इट वेरी वेरी हाई बींग इन दिस रीजन विच इज वेरी क्लोज नाउ फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर शेयर प्राइस को ले तो शेयर प्राइस जो स्टेबल शेयर्स होते हैं ठीक है तो उस उनमें आप पे कर रहे तो बहुत ज़्यादा जीरो से डिविएट नहीं होते इन अगर आप डेली चेंज देख रहे हो इफ यूर कंसिडरिंग रिटर्न तो डेली रिटर्न आपका बहुत ज्यादा नहीं होगा इट विल बी क्लोजर टू रिटर्न ठीक है

ठीक है बट मोस्टली वी टॉक अबाउट द हेवी टेल और लाइट टेल दैट इज नॉट वी टॉक अबाउट ठीक है सो आई थिंक इसका हम ठीक है तो मैंने आप लोग को वो दे दिया है फॉर्मूला राइट नाउ नेक्स्ट आफ्टर कर्टोसिस आप लोगों को मैंने ट्रांसफॉर्मेशन uh, कराया था याद है मोमेंट एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सो फॉर एग्जाम्पल एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं प्लस बी एक्स रिमेंबर तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई था बी और अगर मैं बोलूं आप लोग को वेरियंस निकालना है वाई का सो इट वॉज बी स्क्वेयर ऑफ़ रिमेम्बर याद है ये चीजें या फिर अगर मैं आपको बोलू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई निकालो तो बी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स हमने प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन भी किया था जहाँ पे वी वर डूइंग फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स निकालना है सो दिस इज नथिंग बट एफ एक्स विच इज नथिंग बट माइनस इनफिनिटी टू एक्स दिस थिंग हाँ सो दिस इज व्हाट यू आर इंटीग्रेटिंग एफ एक्स सी एक्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी और वॉट एवर द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एक्सेज टिल एक्स सो अगर मैं डायग्रामेटिकली एक बार समझाऊ सपोज दिस इज माई डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है एंड लेट्स सपोज यहाँ मैंने प्लॉट कर रखा है एक्स वैल्यूज एंड आपके वाई एक्सेस भी प्लॉटेड है पी डी एफ ठीक है अब मुझे यहाँ पे लेते सपोज यहाँ पे एक एक्स एक का वैल्यू है तो आपको क्या करना है लोएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स से इस वैल्यू तक तो आप पूरा इसका एरिया निकालोगे जब आप इंटीग्रेट करो तो आप क्या कर रहे हो आप इस पूरे रीजन का एरिया निकाल रहे हो येस और नो इस पूरे रीजन का एरिया निकाल रहे हो देख लो दिस इज से सपोज जीरो से एक्स अगर जीरो इज द लोएस्ट वैल्यू पॉसिबल उसका हम लोग क्या कर रहे हैं एरिया निकाल रहे हैं या फिर तो ये जो हम लोग कर रहे हैं कैन वी डू इट दिस वे इसको हम लोग जब डिस्क्रीट फॉर्म में करते हैं तो इसको डिस्क्रीट फॉर्म में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं वी डिवाइड दिस पार्ट इन टू स्मॉल सेक्शन लाइक दिस एंड दि सेक्शन आर ऑफ इक्वल साइज सो लेट्स आपको यहीं तक करना था ठीक है सो वॉट आर यू डूइंग यू आर डिवाइडिंग दिस इंटू स्मॉल सेक्शन तो ये आपके स्मॉल सेक्शन हो गए ऑफ इक्वल विथ Now, depending कि आपका ये जो सेक्शन है ये कैसा साइज का होगा अगर ये इतना आपको ब्रॉड लेना है यू वॉन्ट टू की कोर्स अप्रोक्सीमेशन ठीक है डू यू नीड अ कोर्स अप्रोक्सीमेशन जो आपका ब्लू ब्लैक से किया मैंने और डी यू नीड अ फाइन अप्रोक्सीमेशन दैट डिपेंड्स की आप कैसे उसको डील कर रहे हो बट वॉट आर वी डूंगा दिस पी डी एफ कर्म आर फाइंडिंग द एरिया अंडर दिस पी डी एफ कर् अगर जैसे इफ यू ऑल ऑल्सो रिमेंबर हमने क्लास में करा था इफ दिस इज माई डिस्ट्रीब्यूशन मुझे इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए था लेट्स सपोज मुझे चाहिए था प्रोबेबिलिटी दैट माइनस वन से थ्री के बीच का सो लेट्स सपोज दिस इज माइनस वन एंड दिस इज थ्री रिमेम्बर हमने किया ये चीज तो आपको पूरा ये एरिया चाहिए सो व्हाट डूइंग या तो आप इसको इंटीग्रेट कर रहे थे माइनस वन से थ्री के बीच में आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो दैट इज हाउ यू फाइंड द एरिया और व्हाट यू कैन आल्सो डू इज यू कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू थ्री माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू माइनस वन दिस इज व्हाट यू कैन डू विच इज दिस पूरा पार्ट माइनस दिस हम हा इक्वल टू वो मैटर नहीं करता क्योंकि कंटिन्यूस अगर केस हम लोग ले लें बट हाँ अगर हम लोग लेना चाहें तो हम लोग वो चीज कर सकते हैं टेड देख लो नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वांटाइल्स सो व्हाट आर क्वांटाइल्स सो क्वांटाइल्स डिवाइड योर क्वाटाइल डि योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैल्यूज इंटू इट कट्स ऑफ योर ऑब्जर्वेशन इन टू इक्वल साइज ब्रैकेट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ की आपको फिफ्टी अथ क्वान्टाइल निकालना है फिफ्टी परसेंटाइल क्वान या फिर फिफ्टी क्वानाइल ठीक है तो यूजअली हम लोग क्वांटाइल्स में ना क्यू वन क्यू टू ये हमने किया है ना क्यू लेते हैं क्वांटाइल्स हमने पढ़ा है तो आपका जो ये क्यू होता है ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करता है राइट सो ये आपका क्या हो है मीडियन हम लोग इसको फिफ्टी परसेंटाइल वैल्यू भी बोलते हैं सो वी कॉल इट एज परसेंटाइल क्वांटाइल्स एंड परसेंटाइल्स

तो इसको हम लोग या तो वी कॉल दिस एज 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 या तो वी वी कॉल कॉल इट इट क्वांटाइल और कैन आल्सो परसेंटाइल ठीक है सो व्हाट इज अ क्वांटाइल एक्चुअली डूइंग अगर हम लोग को ये एक्स का वैल्यू पता नहीं है मेरे को ये एक्स का वैल्यू निकालना है लेट्स सपोज फॉर एनी परसेंटाइल और एनी क्वांटाइल तो इसको लेट्स सपोज आई एम टेकिंग अल्फा फॉर नाउ इंसटेड ऑफ 0.5 आई एम टेकिंग दिस एज अल्फा तो ये मेरा क्या है ये मेरा सी डी एफ है अब मेरे को ये x का वैल्यू चाहिए सो आई विल डू इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एंड दिस इज हाउ आई कैन कैलकुलेट फॉर एग्जाम्पल अगर आपको Fx, CDF का कोई भी फंक्शन गिवन है तो लेट्स सपोज आपको सी डी एफ का कोई भी ऐसा कुछ फंक्शन गिवन है ये फंक्शन है सी डी एफ का ठीक है यूजली अगर गिवन रहता है ना अगर गिवन है तो आप

तो अब वही उसके टर्म्स में मैं अगर लिखना चाहू तो ये आपका एफ एक्स हो गया और ये आपका अल्फा हो गया ये आपका पॉइंट फाइव हो गया ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गया है ना सो so अगर उसको थोड़ा जनरलाइज करना चाहूं मैं तो नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट एक्स आप कैसे निकालोगे वन उधर चला जाए ये उधर चला गया उधर आ गया तो जीरो पॉइंट फाइव ई टू दी माइनस फाइव एक्स दोनों तरफ लॉग ले लो तो ऑफ़ बाय 5 फाइव योर एक्स का वैल्यू देख लो दिस इज नोन एज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड तो मैंने किया क्या एक बार समझ लो ये जो मैंने फंक्शन है मैंने इसको Alpha k terms may I have taken this out. I have taken this out in terms of alpha. This is in terms of alpha only, right? This is in terms of alpha only. And this is what? Equal to x. So you are getting the value of your x, which is the 50th percentile or alpha percentile, whatever. So what is a quantile or a percentile? This is nothing but an inverse function of.

ये मेरा सी डी एफ का लेट्स सपोज फंक्शन है सो सी डी एफ का फंक्शन होने का क्या मतलब है लेट्स यहाँ मेरे जीरो है यहाँ टू है यहाँ फोर है माइनस टू तो वैसे करके तो इसका क्या मीनिंग होता है कि अगर मैं कोई भी इधर से दीज आर एक्स वैल्यूज ठीक है अगर मैं इधर से कोई भी एक ऐसे लेके जाऊं मतलब लेट्स दिस इज माई वन तो उसका मेरे को क्या मिलेगा ये सी डी एफ मिलेगा ये सी डी एफ का वैल्यू मिलेगा मेरे को अब मेरे को ध्यान से देखना मेरे को सी डी एफ गिवन है दिस इज नथिंग बट योर एल्फा यहां से दिस इज नथिंग बट योर एल्फा ये मेरे को गिवन है मेरे को ये वन निकालना है विच इज माई एक्स करेक्ट है तो इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन में होगा क्या आपका फंक्शन दिखेगा ये पूरा इन्वर्स मतलब मैं लेटे सपोज इधर मतलब एक्स ऑफ़ एक्सेस को इंटरचेंज अगर मैं कर दू तो वो कुछ ऐसा दिखेगा अब um, मतलब ये जो फंक्शन है ये पूरा उल्टा हो गया ना अब इधर एक्स आ गया और इधर ये तो अब मतलब ये मे बी आपका जीरो है या ऐसा करके आपके वैल्यूज हैं है तो अब आपको बेसिकली क्या होगा यहां से जो आपका ऐसे वन जा रहा है उसका आपको मतलब आपको सी डी एफ गिवन है दिस एल्फा और सी डी एफ इज गिवेन फॉर दैट यू नीड टू फाइंड आउट फॉर दैट यू नीड टू फाइंड आउट दिस एक्स का वैल्यू एक्स या फिर उसको हम लोग कौन फंक्शन भी बोल सकते हैं या परसेंटाइल, ठीक है ठीक है अब नेक्स्ट थिंग क्विकली एक रिविजन जो हमने ऑलरेडी कर रखा है पहले भी तो वॉट वॉज अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लुकिंग लाइक दिस इज योर मीन दिस वॉज योर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है वॉट इज एमेट्रिक एनीथिंग मतलब पॉजिटिवलीगेटिवली स्क्यूड सो समथिंग लाइक दिस इज इज थोड़ा मुझे और अच्छे से बनाना पड़ेगा इज तो पॉजिटिवली स्क्यूड का मोन पहले कौन सा आता है सबसे ऊपर क्या रहेगा हमेशा मोड ना मोड इज वॉट मोड इज हाई वैल्यू विद द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वैल्यू विद द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी तो ये आपका मोड हो गया एंड हमेशा बीच में होता है आपका मीडियम एंड देन आपका मीन तो हमेशा याद रखना मोड इज द हाईएस्ट तो वो ऊपर होगा सबसे हमने इंटरक्वार्टाइल रेंज किया था क्यू थ्री माइनस क्यू वन किया था हमने वेन वी आर डूंग क्वार ठीक है तो अगर मैं उसको एक डायग्राम पे क्विकली समझा दू सो लेट मी टेक दिस सो फॉर एग्जाम्पल ये सिमेट्रिकल मैंने बनाने का कोशिश किया है तो यहाँ पे दिस रीजन दिस रीजन लेट्स सपोज इज योर क्वार्टाइल रेंज मतलब दिस इज क्यू वन माइनस क्यू थ्री ठीक है या थोड़ा और ब्रॉड हो जाता है वो ठीक है एंड देर इज सम्यू आर वर्सेज देर इज समिंग टू सिग्मा रूल सिग्मा क्या होता है standard deviation. तो अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊ तो ये आपका जीरो है हा जीरो होता है ना बीच से स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन याद मतलब चलो लेट्स डू वन थिंग ऑल ऑफ यू लेट्स डू वन थिंग मान लो कि आपका मेन मीडियम मोड है बीच वाला पार्ट तो ये जीरो एल एच सपोज मैंने बोला है कि मीन जीरो है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन वन है तो टू सिग्मा कैसे निकालेंगे वन सिग्मा इधर और वन सिग्मा इधर तो ये वाला जो पार्ट आ जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा ये वाला जो पार्ट आ जाएगा आपका ये हो जाएगा टू सिग्मा वाला पार्ट मतलब वन सिग्मा इधर एंड वन सिग्मा इधर इंटर क्वार्टाइल रेंज यूजली ब्रॉडर होता है कंपेयर टू टू बेसिक थ्योरी आएगा ना तो उन लोग कहीं ना कहीं अप्लाई हो जाता है एंड देर आर समथिंग कॉल्ड एज बायोडल मल्टी मॉडल ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ क्या देख के पता चल रहा है कि यहाँ एक आपको दिख रहा है एन यहाँ आपको एक पीक दिख रहा है सो so इसको हम लोग यूजली बाय मॉडल बोलते हैं मॉडल क्या होता है जहां पे आपका हाईएस्ट पीक है और जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन का पीक निकालते हो आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हो एंड एकट करते हो जीरो से क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा एट दिस पॉइंट वेन यू डिफरेंशिएट द फंक्शन इट विल गिव यू द स्लोप एज जीरो है ना वेन यू डिफरेंशिएट इट गिवस इट जीरो तो ये दो आ रहे हैं वैसे जहां पे दो जीरो आएंगे सो वेन यू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद टर्म्स ऑफ एक्स एंड जीरो से तो आप देखोगे दो पॉइंट पे आपका एक आपका एक्स वन एंड एक आपका एक्स टू पे आपको दो जगह जीरो मिलेगा तो ये बाई मॉडल हुआ मल्टी मॉडल मतलब दो से ज्यादा तो ये होते हैं कुछ कुछ अलग पे ऑफ्स होते हैं जहां पे बाई मॉडल मल्टी मॉडल आपको मिलता है ठीक है, अंडरस्टूड मी टू मिनट्स